हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से। खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, एक और लिस्ट जारी हो गया है AIMIM की पार्टी की जानिब से। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक और नामों का जो फहरिस्त है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली, यानी कि पब्लिकली ये बता गया है कि अब तक जो 3 लिस्ट जारी किया था उम्मीदवारों का AIM ने, अब जो है उसके बाद चौथी लिस्ट का भी जारी हुआ। तीसरी लिस्ट आज सुबह मॉर्निंग में ही जारी किया गया था और उसके अंदर 8 विधानसभाओं का तذکرہ किया था, जैसे कि अमोर का उसमें तذکرہ किया गया था, किशनगंज का था, उसमें बहादुरगंज का था, बैसी था, कस्बा था। लेकिन अभी जो है एक और लिस्ट जारी किया है और वो है ठाकुरगंज, वो है प्राणपुर, वो है जोकीहाट, और वो है बरारी, और वो है मनिहारी, वो है अररिया, और वो है सिकता। जी हाँ, ये 2, 2, 4, 2, 6 और 7 विधानसभा का जो है वो लिस्ट जारी किया है और उम्मीदवारों को भी बताया है। आइए एक नज़र दौड़ाते हैं कौन है इनमें से। एक कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको जिनका होना चाहिए था गालिबन, लेकिन नहीं है। एक्सपेक्टेशन यही था कि उनका होगा। उनमें से एक मेरा एक दोस्त भी था, लेकिन खैर मुझे अफसोस है कि उनका भी नाम नहीं हुआ। लेकिन देखिए है कौन कौन। ठाकुरगंज से हाफिज महबूब आलम को दिया गया था, जबकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो है वो असद साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और काफ़ी गदगद लग रहे थे उनकी भाषा में अगर बात की जाए तो। लेकिन खैर उनके हक में नहीं गया ये। खैर उनके अलावा जो है प्राणपुर, प्राणपुर में कुछ ज़्यादा जो नाम था वो चित परिचित था नहीं, तो ख्वाजा हसन महमूदी साहब को दिया गया है। और इसके अलावा जोकीहाट मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश और लग रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम कुमार चतुर्वेदी साहब को क्यों नहीं दिया। बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका, बहुत ही काबिल इंसान है, या बहुत अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर है, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड लोगों में से लोग जो है ना, कहते हैं ना सदियों में से एक दो निकल कर आते हैं, उनमें से ही उनका नाम शुमार होता है। खैर समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर आंखों पर है ये फैसला। अगर ऊपर से है तो इसमें कोई मुझे ये वो नहीं है कि मैं इसको मानूँ ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है एज ए फैन होने के नाते, एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त होने के नाते थोड़ा सा मुझे भी रंजिश है इस चीज़, इस फैसले को लेकर। कुल मिलाकर फिर भी हम जो है इस चीज़ को वेलकम करते हैं, इस फैसले को खुशामदीद करते हैं। गिला शिकवा थोड़ा सा वक्त के लिए होता है, लेकिन फिर भी इन सारे चीज़ों को दरकिनार करके मैन जो है पार्टी को मजबूत करना होता है और AIM की जीत देखना मेन पर्पस है हम सबका। इसके अलावा बरारी से बात की जाए तो राकेश यादव जो है उनको टिकट मिला गया है। मनिहारी से जो है हालांकि बातें चल रही थी को मुर्मू जी, लेकिन मुर्मू ही मिले, वो शायद बबलू जी का नाम आ रहा था, लेकिन वहां से जो है गौरेती मुर्मू सादुरिया सीट जो है रिजर्व है ST के लिए, तो गौरेती जी का टिकट मिला गया है। अररिया से बात की जाए तो मोहम्मद राशिद अनवर, राशिद अनवर साहब का नाम पहले से हो गया था। वैसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट दे।
जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।